हाय फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरे इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स, मैं मॉम के पास हूँ। हेलो मॉम, हॉस्पिटल में मेरे इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स हैं मेरे। कैसा फील हो रहा है मम्मी अभी? अच्छा फील हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, लाइव हूँ। इंस्टाग्राम है ना, उस पर लाइव हूँ मैं। मैं हॉस्पिटल में हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, थैंक यू सो मच। हाँ मम्मी को देखो। मम्मी स्माइल कर रही है, स्माइल कर रही है मम्मी। हाँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वही तो, जब से मैं बिग बॉस से बाहर निकली हूँ, सिर्फ हॉस्पिटल में ही हूँ। यहाँ से हिली नहीं हूँ। पहले माँ है, फिर सारी दुनिया है। मैं बिग बॉस किसे इंटरव्यू में मैं नहीं कर पाई, कहीं कुछ सेलिब्रेशन नहीं कर पाई बिग बॉस के सक्सेस का। मम्मी क्या कहना मेरे फैंस लोगों को? कीमोथेरेपी कैसा फील हो रहा है? अच्छा, नींद आता है। कीमोथेरेपी से नींद आता है। माँ ठीक हो जाए तो माँ के चरणों में सारा जहाँ है। माँ के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे इस दुनिया में माँ ही सब कुछ है। माँ, पिता, अपनी फैमिली, उसी से मैं आगे बढ़ती हूँ। माँ मेरे लिए दिन रात प्रे करती है कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ अच्छे काम करूँ। मुझे मेरी माँ ने, माँ के वजह से बिग बॉस मिला। आप जैसे इतने अच्छे फैंस मिले सबके, मुझे इतना प्यार करने वाले है ना मॉम? कितना प्रे करती थी तुम तो मेरे लिए? बहुत प्रे करती थी बिग बॉस के लिए। प्रे करती थी, मेरा फेस लाल लाल क्यों हो गया? लाल लाल हो गया है ना मेरा? हाँ, फेस लाल लाल हो गया है। शिवि, तुम अभी एडमिट हो ना? अरे आप इच्छा होती मुझको मेरी आखिरी इच्छा थी आखिर बिग बॉस में जाए और जीत के आए, पर मैं सब ने वो करके दी। अरे मम्मी, दुनिया वालों का दिल जीत लिया ना, जीत हार तो चलती रहती है। मैं कहाँ हारी हूँ, है कि नहीं दोस्तों? मैं कहाँ हारी हूँ? आप लोगों का प्यार मिला है, आपके सबके दिल में मुझे जगह मिली है ना? माँ है ना मेरे साथ, है ना माँ? अगर माँ साथ में है तो इंसान जीत ही जाता है। पेरेंट्स साथ में रहते हैं। अरे मैं हर साल जद्दोजहद करती रहूँगी हर साल बिग बॉस में जाके, हर साल बिग बॉस में जाके मैं जद्दोजहद करती रहूंगी, कोशिश करती रहूंगी जीतने की। क्या बोलती मैं? कहो हाँ, हाँ। क्या बोल पड़ेगा? मम्मी को नींद आ रही है, वो इंजेक्शन डाले हैं ना, बोल नहीं पाती है मॉम। मैंने सोचा सारे अपने फैंस को थैंक यू बोलूं, सो मच, लव यू सो मच। और मैं यहाँ बैठी हूँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में विदाउट मास्क अलाउड नहीं है। माँ का आशीर्वाद रहा तो पहुँच जाएंगे फिर से 15 में, उसमें क्या है आपका साथ तो हमेशा है ना मेरे साथ। बिग बॉस 15 में भी पहुँच जाएंगे। लेकिन मेरी माँ की ये, मेरी माँ कहती है
कि मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरे हस्बैंड जो यूरोप में है रितेश और मैं बिग बॉस में जाऊँ। आपको क्या लगता है मम्मा, बताओ क्या कहती है मम्मा? दोनों जाएगी साथ में। क्या आप चाहती हो वैसा? हाँ मैं चाहती हूँ। क्या चाहती हो बताओ? ब्रजवेरिया स्थान रितेश और राखी दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में जाए। कहाँ? बिग बॉस में। बिग बॉस 15 में? हाँ। ये आप चाहती हो? हाँ। सलमान जी को एक मैसेज दो जल्दी से। सलमान जी को बताओ, हो का जल्दी करो। सलमान जी राखी और रितेश दोनों को साथ में लीजिए बिग बॉस में। ओ मॉम की इच्छा है कि बिग बॉस 15 में मैं और मेरे हस्बैंड जाए। आपको लगता है क्या? आप लोगों को लगता है हम दोनों को साथ में जाना चाहिए? लड़ाइयाँ होगी, झगड़े होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। आप लोगों को लगता है क्या होगा पता नहीं। मॉम हॉस्पिटल में है और मैं यहाँ बैठी थी, मुझे लगा कि मैं फैन हूँ, मैं बोर हो रही थी तो मुझे लगा कि मैं फैंस के साथ बात करूँ, शुक्रिया अदा बोलूँ सबको। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप सब माँ के लिए प्रे भी करना, आपकी दुआओं से मैं हूँ, आपकी दुआओं से मेरी माँ है। ईश्वर सबके साथ है, ईश्वर सबका भला करे, ईश्वर सबका भला करे, सबको खुश रखे। वो सोफिया भी आई है क्या? सोफिया आयु देर? सोफिया कॉल पे आओगी क्या? अच्छा इसमें कॉल पे नहीं आते क्या इंस्टाग्राम पे? सोफिया आयु देर? सोफिया कौन कौन है नीचे? थैंक यू सो मच। मैं तो बिग बॉस से आने के बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब है दोस्तों, ना मैं खाना खा रही हूँ, मेरा तो खुद का बीपी गिर गया है। सोफिया मेरी जान, हाउ आर यू? मिस यू सो मच सोफिया, लव यू बेबी। सोफिया हयात माय फ्रेंड। मम्मा को देखो सोफिया, मम्मी सो रही है, वो इंजेक्शन डाले है ना तो मम्मी एकदम डिजीनेस हो रहा है मॉम को। सोफिया लंदन से है मेरी फ्रेंड, आप ज़रूर प्रे करना। सोफिया ओ सोफिया स्वीट हार्ट, मुझे नहीं पता इसमें दो लोग इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं क्या, पता नहीं ऐसा कुछ सिस्टम है क्या। हाय विशाल, थैंक यू सोफिया, आई मिस यू टू सोफिया, थैंक यू। ओ यस सोफिया, थैंक यू सोफिया, ज़रूर प्रे करना आप लोग। मेरी मैं अकेली हूँ, मेरी माँ के बगैर मेरी ज़िंदगी ज़ीरो है। आज जो कुछ भी हूँ मेरी माँ के आशीर्वाद से हूँ, मेरी माँ के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ती हूँ, दिन रात प्रे करती है मेरे लिए। अब तो पढ़ भी नहीं पाती है माँ, और यस अंदर से मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। देखो पसीना मेरे हाथ से निकल रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मॉम को कैंसर है। मैं अंदर अंदर थी, एक इंटेस्टाइन का ऑपरेशन करवाया था लॉकडाउन से पहले मॉम का कैंसर का, तो मुझे लगा मॉम ठीक हो गई है, लेकिन बिग बॉस हाउस में थी इतना बड़ा शॉक लगा मुझे। ओ माय गॉड दोस्तों, अगर मैं बिग बॉस हाउस में फिर से मॉम को बिग बॉस अगर मुझे वीडियो कॉल पे लेते तो मैं वहीं बेहोश हो जाती, हार्ट अटैक मुझे आ जाता। जो मेरी विश मांगी थी
बिग बॉस ने कहा व्हाट इज योर विश, अगर मैं कहती कि मुझे माँ को देखना है अगर मॉम को इस हालत में देखा होता तो मुझे नहीं पता क्या हो जाता। सबके माँ बाप खुश रहे, सबकी माएँ खुश रहें, उनको कभी कुछ ना हो, कभी भी कुछ ना हो। उस दिन के बाद मैं बस हॉस्पिटल में ही हूँ। प्रिया दत्त जी ने भी बहुत सपोर्ट किया है, नदीम भाई, शेरा भाई, सलमान भाई, डॉक्टर चोपड़ा, सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा मेरे मेरी माँ की तरफ से। प्रिया दत्त जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमेशा कंसर्न किया, हमेशा मुझे पूछती रही मॉम के लिए, आपने कहा कुछ भी लगेगा तो बताना मॉम के लिए, थैंक यू सो मच। माँ ठीक हो जाएगी तो फिर मैं एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी, माँ घर जाएगी तो सेलिब्रेट करूँगी ना, बिग बॉस 14 का थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे, ज़्यादा लोगों को ना बुला के। मैं दुआ करती हूँ आप सब लोग सुरक्षित रहें, आपके पेरेंट्स सब लोग सुरक्षित रहें, मेरी माँ भी ठीक हो जाए। इतना दर्द लेकर मैं इसलिए बिग बॉस हाउस में गई थी तो माँ के लिए कुछ कर सकूँ मैं। थैंक्स टू बिग बॉस हाउस कि मुझे उन्होंने चांस दिया। माय स्वीट हार्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एवरी वन। हेजल मेरी आँखों में आंसू तो पड़ भी नहीं पा रही इतना। थैंक यू एवरी वन सो मच। यस कोशिश तो करती हूँ। किरण थैंक यू, किरण थैंक यू सोफिया माई स्वीट हार्ट फ्रेंड, माई जानू, माई सोफिया, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी सोफिया, हर वक्त मेरा ख्याल रखती है मेरी सोफिया, हर वक्त। थैंक यू एवरी वन, थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम के बाद मैं आई इंस्टाग्राम पे। आई लव यू ऑल। मम्मी होश में नहीं है अभी, शी कांट टॉक। वो रात को होश में आती है मॉम। टेक माय नेम जोशी जी, थैंक यू। राशि थैंक यू। पलक थैंक यू। क्या सोफिया, आई विश, थैंक यू सोफिया। यस हाय, हाय सुप्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। जूली का ड्रेस पहन के, यस हॉस्पिटल में ज़्यादा ज़ोर से बात करने का अलाउड नहीं है ना यहाँ पे। थैंक यू सो मच। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, मम्मी सो रही है और मैं रख रही हूँ। थैंक यू सोफिया, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ईश्वर आप सबको सुरक्षित रखे। यहाँ पे ज़्यादा बात करने का अलाउड नहीं है।
बाय, लव यू ऑल। ठीक है, आपको नहीं बस इंटेलिजेंट सारा है ना।